हेलो गाइस गाइस, एक बार 2-3 मिनट का वेट करते हैं ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आ जाएं जिनको क्लास लेनी है। आज की वीडियो में इसमें हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। ठीक है, दीक्षा, हाय शिवम मैम, स्टार्ट कीजिए क्लास। हाँ, थोड़ी सी देर और, एक बार 2-3 बच्चों का वेट कर लेते हैं, जो आने वो आ जाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। ईशा हाय, अंजलिना हाय, ईशा, प्रीता हाय, निशा हाय, स्वाति हेलो, हिमांशी, पनवा, स्वाति मैम प्लीज एक चीज बताओ, एग्जाम जनवरी में होगा या एग्जाम मार्च में होगा? मार्च मार्च में होगा, मार्च, हाँ मार्च के सेकंड वीक तक होगा या फर्स्ट वीक तक, वो इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मार्च में होगा, जनवरी में एग्जाम नहीं होगा। प्रियंका हेलो, नवंबर में आपके फॉर्म्स स्टार्ट होंगे, उसके बाद जनवरी में नहीं होगा क्योंकि एग्जाम कोरोना की वजह से इतना तो है ही कि मार्च में होगा। मैम जो फर्स्ट ईयर अब सेलेक्ट हुए थे, दोबारा कैसे होगा? देखो, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो अभी सेलेक्ट हुए हैं तो वो उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट, ऐसे कुछ नहीं है। जिन्होंने 2020 एग्जाम दिया है ना, वो 2020 वाले ही बैच में रहेंगे, और आपका मार्च में एग्जाम होगा दोबारा से। ठीक है, अभी और 2021 न्यू बैच होगा फिर वो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यही वाला बैच, ऐसे नहीं है। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स एंड एमएनएस सेम मंथ में ही होंगे लगभग। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि जो सेशन है 2021 का, ठीक है, जो बच्चे वहां 2020 का, जो बच्चे अभी वहां सिलेक्ट होके गए हैं, उनका सेशन कब स्टार्ट होगा? तो गाइज, ऐसा नहीं है कि उनका सेशन आपके सेशन के साथ स्टार्ट होगा। अब जैसे मान लो, जो बच्चों ने अभी नीट दे दिया है, उन्होंने उनके या फिर अदर कोर्सेज के जो बच्चे हैं, उनके दिसंबर तक कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे और फेब में उनके एग्जाम ले लेंगे फर्स्ट सेम के। ठीक है, फर्स्ट सेम उनका खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ इस बार के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि वो हर बार के लिए होगा। आपका मार्च में ही एग्जाम होगा 2021 वाला। नहीं, बोर्ड शायद में भी सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स का मई में ऐसे कोई टारगेट नहीं है, अभी हम फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि बिहार में बोल रहे थे कि अभी फेब में मार्च में ऐसे करवा रहे हैं, तो उनका इतना ज्यादा मुझे कंफर्म नहीं है बोर्ड का, लेकिन एमएनएस का आपका मार्च में ही होगा। जो अभी जो स्टूडेंट्स गए हैं 2020 वाले, ठीक है, 2020 वालों का ऐसे कर लेंगे, जो सेशन फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है, ठीक है, फर्स्ट सेम जो होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उनके जो पेपर्स होते हैं वो जल्दी हो जाएंगे और कम सिलेबस के साथ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनका ये वाला साल है फर्स्ट सेम में स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। आपका अलग होगा, उनका अलग होगा, सब कुछ। चलिए, तो अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल। काफी बातें हो गई है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 10 बच्चे आ गए, और बच्चे आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, रिवाइज करवा देंगे बाद में। और जिन्होंने अभी पिछली वाली करंट अफेयर की क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो प्लीज वो आप जाके देख लेना,
और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना अगर आपको एमएनएस 2021 अब की बार क्रैक करने हैं तो। देखो गाइस, जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले किस पे आते हैं, पीरियोडिक जो टेबल होती है ना वो एनसीईआरटी में गिवन होती है, हीलियम लिथियम जो भी उस पे होते हैं सब उसके बारे में, तो आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। मैं अगेन बोल रही हूँ कि एमएनएस में फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, ठीक है। हम जो ये पढ़ रहे हैं हमारे दूसरे ऑप्शन के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे एमएनएस के बाद एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आप सिलेक्ट होते हो। लेकिन आप लगा लो कि आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी हाई फाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं आती है। आप इंटरव्यू और मेडिकल में थोड़ा सा बाई चांस किसी पॉइंट से रह गए तो आपका एक ऑल्टरनेट पॉइंट होना चाहिए एम्स, बीएससी नर्सिंग, और वो भी दिल्ली। उसके लिए आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को अच्छे से करना होगा, ठीक है। फिर आप एम्स दिल्ली में रह के जो फर्स्ट सेम आता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें आप फिर से एमएनएस के लिए तैयार कर सकते हो, और फिर इंटरव्यू और मेडिकल वापस क्रैक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आगे, ठीक है। तो हम जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो एम्स दिल्ली के लिए पढ़ेंगे, जो बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए उनके लिए, ठीक है। क्योंकि अब की बार जो एम्स दिल्ली एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर आया था उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं थे बिल्कुल भी, न्यूमेरिकल थे सारे, नंबर ही आए थे। सो इस बार अच्छे से करना है। आपके 2020 में 67 आए थे, 2020 वाले एग्जाम में प्रिया आंसर में 67 आपके मार्क्स 2020 वाले एग्जाम में आए थे। आपका कौन सा पोर्शन टफ लगा था, मैं वापस पूछ रही हूँ, मैंने एक बार और पूछा था 2020 में, ठीक है, वापस बताओ कौन सा पोर्शन टफ था। प्रिया आप बताइए कौन सा पोर्शन आपको अब की बार एमएनएस में टफ लगा था। जीके, ठीक है, अब की बार करंट अफेयर आए हुए थे, ठीक है, करंट अफेयर ही थे मोस्टली, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन आके बराबर थे, ठीक है, कुछ शिफ्ट्स में तो थे तो हिस्ट्री बराबर थी। करंट्स, ठीक है, करंट्स आए थे। प्रिया को जीके एंड इंग्लिश में प्रॉब्लम थी, प्रियंका को इंग्लिश, आजल ठीक है, अच्छे से करनी है, बायो आपकी वहां से हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको आवाज आ रही है तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा चैप्टर था आज का, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं, वरना वो रह जाएगा बातों के चक्कर में। तो फोकस करेंगे अब की बार हम करंट पे, ठीक है, करंट अच्छे से करेंगे, बायो की एनसीईआरटी अच्छे से करेंगे, इंग्लिश में कुछ ज्यादा नहीं होता, ठीक है, इंग्लिश में आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और सिनोनिम एंटोनिम्स याद होने चाहिए, अच्छे से रिवाइज होने चाहिए, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड हो गया, ये अच्छे से कर लो, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगी फिर आपकी। एरर्स के जो टॉपिक है वो भी थोड़े हैं, तो अभी हम पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। देखो, अगर आप एम्स के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से करना जरूरी है, ठीक है, उसके लिए पीरियोडिक टेबल याद करनी जरूरी है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस में याद रख सको। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहली वाली सीरीज की, हाइड्रोजन है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। तो इसके ट्रिक मोस्टली बच्चों को पता होगी, ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है कि है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेश कैल्शियम पोटेशियम जो भी होता है, ये क्या होता है, पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फ्रेंडियम, ठीक है, ऐसे होती है, तो है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है, इसको ऐसे आप याद रख लेना और कॉपी में भी नोट कर सकते हो कि है ली ना की रब से फरियाद, ये सीक्वेंस में आपको याद रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बारी आती है, दूसरा इसके यहां होता है, ठीक है, दूसरा यहां पे बेटा मांगे का कार
स्कूटर बाप राशि, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राशि। सो बैरियम मैग्नीशियम कैल्शियम ऐसे होते हैं सीरीज, ठीक है। ऐसे आपको ये याद रखने हैं। इन सब के नाम याद नहीं रखने ऐसे प्रॉपर, जो मेन मेन होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरियम हो गया, इनमें आपको थोड़ा सा याद रखना होता है। लास्ट वाले अगर ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। इनको बस एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है कि हाँ आपको ये बताओ कि बी ए कहाँ आता है, आर ए कहाँ आता है, क्योंकि जब वो ऑर्डर आते हैं आई पी ई एन के उनमें प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपको ऐसे सीक्वेंस नहीं याद रहता है तो, ठीक है। उसके लिए आपको बस इनके सिंबल्स देखने हैं कैसे हैं और ऐसे याद रखना है। बफरिंग हो रही है, वेट करते हैं एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, अभी बफरिंग जो अभी भी हो रही है अब सही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, ली ना की रब से फरियादे। ट्रिक होती है इसको याद करने की, आपको ऐसे पूरे नाम याद नहीं करने अगर नहीं हो रहे तो, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बस आपको इजी इजी से वर्ड बोलेंगे, जैसे कि मतलब एलिमेंट देंगे, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। ऐसे ही वर्ड देंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उनमें आपको आई पी ई एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए का ऑर्डर बताना होता है, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में। तो अभी आपको बस एक बार ये एलिमेंट के बारे में बता दूं मैं, आपके पास लेट मैसेज आते हैं, ठीक है ठीक है। तो एक बार मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूं इसको, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला था कि है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आपको ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है। आगे ऑर्डर पूछेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। देखो आगे जो सीरीज आती है वो डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम पी ब्लॉक पे आते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये अल्कलाई मेटल्स हैं और ये अल्कलाई अर्थ मेटल हैं, ठीक है। अल्कली अर्थ मेटल और ये अल्कली मेटल, ठीक है। और ये दोनों जो ग्रुप हो गए वो हो गए हमारे एस ब्लॉक के, क्लियर है। ये हम देख नहीं रहे हैं, रुको। जो ये ग्रुप होता है दीक्षा, हाय वंदना, हाय, क्लियर है मैम। देखो मैं दोबारा आपको बताती हूँ, ये एक सीरीज है, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं इन दोनों सीरीज को, ठीक है।
इस पहली वाली को बोलते हैं अल्कली मेटल, दूसरी वाली लाइन को बोलेंगे अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। इसमें ये एलिमेंट आते हैं, इसमें ये एलिमेंट आएंगे, और इन दोनों को कंबाइन बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके ठीक बाद हमारा जो वो एसीसी जो लाइन होती है उसको डी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक होती है, उसमें कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट भी आते हैं लेकिन प्रॉपर यहाँ नहीं होते हैं, वो अलग से आपकी पीरियोडिक टेबल के नीचे होते हैं, तो यहाँ सिर्फ डी ब्लॉक होंगे, ठीक है। इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ के बाद में जो पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उसमें आता है, उसमें जैसे यहां से अगर हमारी ये दो लाइन यहाँ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ एक तीसरी लाइन होती है, उसके बाद ये वाली जो सीरीज है मैं ये करवा रही हूँ, ठीक है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 लाइन्स होती हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये होते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ होता है एस ब्लॉक, यहाँ होता है डी ब्लॉक, और यहाँ जो होता है वो होता है एफ ब्लॉक, और यहाँ एक लाइन होती है वो होती है जीरो, ठीक है, जीरो जीरो ग्रुप, या फिर जीरो नोबल गैसेस बोल दो। मैंने ये एलिमेंट्स आपको बता दिए, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और एफ ब्लॉक के बारे में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। ये पी ब्लॉक की जो पांचों लाइन होती है इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं सीक्वेंस में, उनकी ट्रिक देखेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की ट्रिक स्टार्ट करते हैं। आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। उसके बाद आता है कहे सीताची सुनो प्रभु, उसके बाद आएगा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब दंदास, उसके बाद आता है ओ स्टाइल से टेपो, उसके बाद आता है फ्लोरीन, ये जो सबको याद रहता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इतना ही याद रखो, ठीक है। देखो गाइस, इसमें आपको ये फर्स्ट सीरीज कैसे याद रखनी है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसको एक ट्रिक होती है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है वरना ये याद नहीं रहेगी। सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, ठीक है, मेरे टीचर्स ने मेरे को ये बताई थी। उसके बाद आता है कहे सीता जी सुनो प्रभु, CSIGESNPB, ठीक है, इनको ऐसे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक जो है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, ठीक है, तो जैसे BI का बिंदास हो गया, ठीक है, सबका सब होता है, ऐश्वर्या कर लो इसको, पाटेकर कर लो इसको, ठीक है, नाना, तो इस टाइप से आपको इसको याद रखना है। ऑक्सीजन फैमिली की अगर ट्रिक की बात करें तो ओ स्टाइल से टेपो, ठीक है, ये ट्रिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये तो याद रह जाता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बस अभी आपको इतना ही नाम याद रखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो मैं आपको जब उसकी सीरीज आएगी उसके टाइम पे बता दूंगी। आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मेनली याद रखना है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग से, कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। आपको यहां तक समझ आ रहा है, कमेंट में बताओ यस और नो। शिवानी शिवम यस, कोमल यस, पीयूष यस, अंजलि यस, ईशा यस, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं मेंडेलीव की। मेन मेन पॉइंट मैंने बोला था कि जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा मैं बस वही पॉइंट करूंगी, फर्क की थ्योरी मैं नहीं बताऊंगी।
देखो पहला पॉइंट है कि जो मेंडल है, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड थी? एनीवन जो कमेंट में बताए इसका आंसर बताओ कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो किस चीज पे बेस्ड थी? मैं ऑप्शन देती हूँ, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। आपने 11th और 12th में ये अच्छे से पढ़े हैं तो बताओ। पीयूष ने सबसे पहले और करेक्ट आंसर किया है, एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती। तो आंसर हमारा ये करेक्ट है, ये नहीं होगा। ठीक है, प्रीता नंबर पे डिपेंड नहीं करता, वेट पे डिपेंड करता है। अंजलि का करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर। शिवम गलत है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता, मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल डिपेंड करती है आपके एटॉमिक वेट पे। ठीक है, नंबर पे डिपेंड नहीं करती। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये नंबर पे डिपेंड है या वेट पे डिपेंड है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एमएनएस में भी आ सकता है, स्टार मार्क कर लो क्योंकि बहुत से बच्चों का गलत हुआ है। चलिए अभी नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो गाइज, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं इस चैप्टर के, डोबर्नियर ट्रेड्स। ठीक है, डोबर्नियर ट्रेड्स ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसने बोला था कि अगर तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी, ठीक है, तो अगर हमें बी का एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है तो बी का एटॉमिक वेट क्या होगा? ए के एटॉमिक वेट और बी के एटॉमिक वेट को हम ऐड कर देंगे, एटॉमिक वेट्स को, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो बी का एटॉमिक वेट है वो हमारे पास आ जाएगा। उसने एग्जाम्पल भी दिया हमें, मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे नियोन का या लिथियम है। ठीक है, लिथियम, तो देखो लिथियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीन एटॉमिक वेट होता है। हमें सोडियम का कैलकुलेट करना है, इसका वेट कितना होता है? पोटेशियम का एटॉमिक वेट बताओ, किसको पता है एटॉमिक नंबर? पोटेशियम जल्दी बताओ कि पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है और सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? किसी को पता है तो कमेंट्स में। ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वेट नहीं है।
एनीबडी एल्स कोई कमेंट में बताएगा, इसका होता है 6.9। ठीक है, कोई आप में से बता नहीं रहा तो मैं बता लेती हूँ, 6.9 है तो अप्रोक्स 7 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो जब आप एटॉमिक वेट वेट करोगे, जो आपका पोटेशियम है उसका और लिथियम का, उसको डिवाइड करोगे 2 से, तो किसका एटॉमिक वेट आएगा आपका? सोडियम का। ठीक है, वो आप खुद कैलकुलेट करके एक बार देख लेना, और ऐसे सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि एटॉमिक वेट बताओ, आपको सिर्फ एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, जैसे ऑप्शन में आपको दे देंगे कि कौन सा डोबर्नियर ट्रेड है, और जैसे फिर ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे, फर्स्ट और सेकंड कुछ भी बना देंगे, थर्ड कुछ भी बना देंगे, फोर्थ कुछ भी बना देंगे। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऐसे आपको ये तीनों सीरीज याद रखनी है, तीन तीन की। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना नहीं आता कभी भी एग्जाम में, तो ये कैलकुलेशन आपने करनी है, आपको सिर्फ ये एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, और जब आप कैलकुलेट करोगे, लिथियम के एटॉमिक वेट को यहाँ पुट करना, और सोडियम के और पोटेशियम का यहाँ पुट करना, इनको ऐड करना, तो सोडियम का आपको आ जाएगा डिवाइड बाय 2 से। चलिए अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, डोबरनियर के अलावा क्या क्या बातें हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि चैप्टर हमें ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट करना है। ठीक है, एक बार मैं समझा ही देती हूँ, डोबरनियर ट्रेड का एक एग्जांपल लेके आपको, जैसे कि PaSSb, ये तीन एलिमेंट हैं। ठीक है, उसने बोला था कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक वेट, दूसरे एलिमेंट का, तीसरे का, देखो पहले का, दूसरे का और फिर तीसरे का अगर निकालना है उसको यहाँ रखो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 से, और उनको ऐड करना है। तो अगर हम इसके बात करें, पी का एटोमिक वेट क्या होता है? 31। एसबी का एटोमिक वेट की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा? 120। जब आप इनको ऐड करके डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 75.5। और वो किसका एटॉमिक वेट होता है? हमारा एएस का। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन नहीं आती आपको, डायरेक्ट यही पूछेंगे, ये तीन सीरीज दे देंगे और आपको आंसर बताना है कि कौन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ठीक है, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या बोला था? कि एवरी एट एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी एज फर्स्ट। देखो, ये एक फर्स्ट एलिमेंट है, इसके बाद जो एट एलिमेंट होगा उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से किन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम थी? सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, इन चारों की प्रॉपर्टी सेम थी। कैल्शियम के बाद ये आगे काम नहीं किया इस फॉर्मूले ने, तो ये फ्लॉप हो गया और डिस्कार्ड हो गया। लेकिन ये चार एलिमेंट है जहां तक न्यूलैंड ऑक्टेव रूल अप्लाई हुआ, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चारों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लाइन है जहां से क्वेश्चन आता है। देखो, मेंडल जो था ना, उसने क्या किया था? जैसे कोई एलिमेंट है, उसकी उसने पहले से जगह छोड़ दी थी, ठीक है, और उस जगह का भी उसने नाम दे दिया था इक्का, और आगे उस एलिमेंट का नाम जिसकी इस एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे उसने इक्का एल्यूमिनियम छोड़ा, इक्का एल्यूमिनियम छोड़ा था, ठीक है, इस जगह का नाम उसने इक्का एल्यूमिनियम रख दिया था, और बोला था कि जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करेगी वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आया उसका नाम आया गैलियम। क्या आया? गैलियम। इसी तरह से एक और ऐसे ही जगह छोड़ी थी, उस जगह पे उसने नाम दिया इक्का सिलिकॉन, और सिलिकॉन की जगह, ठीक है, सिलिकॉन की जैसी प्रॉपर्टी किसके पास होती है? जर्मेनियम। बात क्लियर है? मेंडल ने क्या किया? जगह छोड़ दी, और फिर आगे जो एलिमेंट थे उसके पास उसने उसको सेट किया। उस जगह छोड़ी हुई थी उसका उसने नाम बोला इक्का एल्यूमिनियम, इक्का के बाद उस एलिमेंट का नाम लिखा जिसकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से मैच करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। यहां तक क्लियर है? यस और नो में बताओ सभी बच्चे, क्लियर है यहां तक या नहीं?
जिन भी बच्चों ने लिथियम का ये 3 लिखा है वो उसका एटॉमिक नंबर है, वेट नहीं है, ठीक है, वेट नहीं है, वेट नहीं है, ये नंबर होता है, वेट नहीं होता। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा ध्यान रखो कि नंबर क्या होता है और वेट क्या होता है। कोमल यादव यस, निशा यस, प्रियंका यस, प्रीता यस, सिंपली यस। चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखो पीरियड क्या होते हैं पता है, ग्रुप्स क्या होते हैं पता है, ग्रुप्स ये वाले होते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन, और पीरियड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जो पीरियड होते हैं उसमें न्यूक्लियर चार्ज जो एलिमेंट का होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना कि जो पीरियड होते हैं यानी कि हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज जो है वो छोटा हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो यहां साइज क्या होगा, बढ़ेगा, यहां साइज क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एलिमेंट का साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ग्रुप की, ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, ये वाला तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, पीरियड वाला। अब मैं बात करती हूं ग्रुप की, यानी कि जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। मतलब कि ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा, नीचे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम। इस वजह से जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज ऑलवेज इंक्रीज, साइज इंक्रीज करता है। मतलब क्या पता चला कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा साइज कम, जहां न्यूक्लियर चार्ज कम वहां साइज ज्यादा। आप लोग इसे नोट कर रहे हो तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से और क्लियर लिख देती हूँ, ठीक है। टॉप एंड बॉटम का वापस हम एक बार देखते हैं कैसे हुआ और कैसे नहीं। देखो यहाँ हम पीरियड्स के बारे में बात करेंगे एक बार दोबारा से, और यहाँ हम बात करेंगे वापस से ग्रुप के बारे में। पीरियड क्या होते हैं, जब इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। और ग्रुप क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहां भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, यहां एलिमेंट्स होते हैं तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज ये होता है, तो इधर तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एनसी इंक्रीज, तो साइज विल डिक्रीज, इसलिए डिक्रीज होता है। इधर की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज वही साइज के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और न्यूक्लियर चार्ज यहां घट रहा है, नीचे ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इसको ऐसे ही फॉर्म में अगर आप देखोगे तो अच्छे से याद रहेगा ये।
देखो कुछ रटाफिकेशन वाली बातें भी देख लेते हैं जो आपको रटनी ही पड़ेंगी, ठीक है? ऐसे समझ नहीं आएंगी वो। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो टीसी होता है, टेक्नीशियन शायद इसका नाम है, टीसी एक एलिमेंट है, ये मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें एब्सेंट था, मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में ये एब्सेंट था, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच एलिमेंट इज एब्सेंट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, और ऑप्शन दे देंगे कोई भी, ठीक है? चार ऑप्शन जैसे दे दिए और एक टीसी हुआ, तो आंसर विल बी टीसी। ये आर्टिफिशियल है, ठीक है? आर्टिफिशियली मेड, आर्टिफिशियली मेड है। एक और क्वेश्चन आया था, शायद अब की बार एम्स में आया था, बीएससी नर्सिंग में, आपको एक एलिमेंट दे देंगे, ठीक है? जैसे कि 101, 102, 103 ऐसे कोई भी एलिमेंट बोला था, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसका आयुपैक नेम, ठीक है? आयुपैक नेम पूछा था, तो इसका आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे वो देखो। देखो हम एग्जांपल से समझते हैं पहले एक बार, फिर आपसे एक बार दोबारा मैं पूछूंगी, फिर आप बताना। जैसे 101 है, ठीक है? इसको हम वन को लिखेंगे अन, निल, इस जीरो को लिखेंगे निल, और ये वापस से वन है तो यहां पे क्या लिखेंगे? अन, ठीक है? अन निल अन, और लास्ट में हम ईएम जोड़ देंगे, तो अन निल अनियम, इसका क्या हो जाएगा? आयुपैक नेम हो जाएगा। अगर यहां टू होगा तो आपका क्या हो जाएगा? बायम, बाय और फिर IUM, तो इसको एक आई रहने दो, और ये क्या हो जाएगा? बायम, ठीक है? अगर यहाँ पे 102 के पूछता तो ये हो जाता। ऐसे ही आप बताओ 103 का क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट में। 103 आयुपैक पूछे तो बताओ क्या होता है? 3 0 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलते हैं नील, इसको बोलते हैं अन, इसको बोलते हैं हम बाय, नेक्स्ट वाले को बोलेंगे ट्राई, नेक्स्ट हम बोलेंगे क्वाड, क्वाड QUAD, उसके बाद हम बोलेंगे पेंट, फिर हम बोलेंगे हैग्स, फिर हम बोलेंगे सेप्ट, और उसके बाद ऑक्ट, आठ को, नो को हम बोलेंगे एन, ठीक है? एन इस टाइप से। तो अभी आप लोग बताओ कमेंट में, आर यू पैक ऑफ 106? अनिल हेक्सियम, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका? अनिल हेक्सियम, करेक्ट। सबसे पहले आंसर किसने किया? हेक्स नहीं होगा, खाली हेक्सियम आएगा, तो प्रीता का सबसे करेक्ट आंसर है। सविता ने भी सबसे करेक्ट आंसर किया है, अनिल हेक्सियम, ठीक है? हेक्स नहीं आएगा, सिर्फ IUM भी ऐड होगा लास्ट में जब आप लिखोगे तब, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये बहुत इजी था, ऐसा एम्स में क्वेश्चन आया था अब की बार बीएससी नर्सिंग वाले एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं,
देखो बच्चों, अब हम बात करेंगे हम रेडियाई, ठीक है, रेडियाई का ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन आया था शायद गेम्स में, रेडियाई के ऑर्डर के बारे में, ठीक है। रेडियाई मतलब साइज का ही ऑर्डर बताना है, लेकिन साइज अब हमें ऐसे नहीं पूछेगा कि टॉप टू बॉटम बताओ और लेफ्ट टू राइट, सिंपल एलिमेंट नहीं है इसमें। आपके एनायन कैटायन भी शामिल होंगे। एनायन क्या होते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट हो सकता है। एनायन जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, कैटायन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लू तो जैसे ओ माइनस टू हो गया, पॉजिटिव का अगर मैं एग्जाम्पल लू तो एच प्लस होता है, कैटायन बोल देंगे इसको, ठीक है। इसको अगर थोड़ा और एग्जाम्पल लोगे तो ओ एच माइनस हो गया। ये होते हैं एनायंस और ये होते हैं कैटायंस। नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज हो गया तो कैटायन, ठीक है। अब इनका रेडियस का ऑर्डर पूछ लेते हैं कई बार। तो देखो सबसे ज्यादा जो, अगर एक्स सेम है कुछ, एक्स देखो एक मिनट रुको, ये एनायन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये न्यूट्रल एटम हो गया, कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद ये कैटायन हो गया। तो अगर एक्स यानी जो एलिमेंट है वो सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो जो नेगेटिव चार्ज इस पे है उसका सबसे ज्यादा होगा और फिर न्यूट्रल वाले का। क्यों होगा? देखो नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तब नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर उसने गेन किया है तो उसमें रिपल्शन होगा। जैसे देखो थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, देखो नेगेटिव चार्ज कब आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। जैसे ये आपका न्यूक्लियस होता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी इसमें इतना ही रिपल्शन है, अगर हम ठीक है, इतनी डिस्टेंस है अभी इसमें और इसमें, इतना ही रिपल्शन। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्शन क्यों होगा, ठीक है। रिपल्शन क्यों होगा? क्योंकि देखो गाइस, जब मैंने ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है, ठीक है, जब हमारा जो साइज है वो बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, वो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बढ़ता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है अभी, आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ए जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इन ये क्या करते हैं, ये आपस में ही एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, तो साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसको हम जो न्यूक्लियर चार्ज है, फिर वो इसकी इनकी जो शील्डिंग होती है, देखो रुको एक बार दोबारा समझाती हूँ, सारी खिचड़ी पक गई है, आपको समझ नहीं आएगा फिर। देखो न्यूक्लियस है ये, ठीक है। सबसे पहले क्लियर करती हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो देखो न्यूक्लियर चार्ज होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। और इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके और इसके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, उसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। इतना क्लियर है तो कमेंट में यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं, वरना बहुत आगे कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो इतना अगर क्लियर है तो मैं आगे फिर डिस्कस करती हूँ। देखो जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, ये प्रोटॉन की वजह से होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। और जब यहाँ ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, सबसे बाहर वाली जो शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसका और जो इसका अट्रैक्शन होता है, उसको नाम देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इतना क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, यस मैम आ रहे हो कमेंट में। इसके बाद देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि न्यूक्लियर चार्ज है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज घटेगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जितना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा, यानी कि ये शेल थोड़ी और इधर होगी, यानी यहां होगा, तो उतना ही क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा बिल्कुल, ठीक है। और इस वजह से इसका जो ये उसका अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको और खींचेगा अपनी तरफ, तो इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है।
इसका साइज और डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम बहुत सारे बड़े बड़े एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं एक हाइड्रोजन है, एक दूर बैठा देखो, एक लिथियम के बारे में हम बात करते हैं और एक हम बात करते हैं उसके बाद डायरेक्ट फ्लोरीन की, ठीक है? इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज कम होगा, ठीक है? क्यों होगा? देखो, लिथियम में इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, ठीक है? लेकिन इसमें शेल क्या है? सिर्फ एक है। एक मिनट रुको बच्चों, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है आपका। न्यूक्लियस में अगर मान लो किसी में सिर्फ यही वाली शेल हो, ठीक है? क्योंकि जो पीरियड होता है ना, पीरियड, उसमें एक ही शेल रहती है। एक पीरियड में, दूसरे पीरियड में अगर दो शेल आ जाती हैं, ठीक है? तीसरे पीरियड में तीन शेल आ जाती हैं, चौथे पीरियड में चार शेल आ जाती है, पांचवे में पांच शेल आ जाती है। यानी शेल तो सब में कॉन्स्टेंट रहेंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है। यानी कि अगर यहाँ जो एलिमेंट है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो वैलेंस शेल में, ठीक है, तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसमें मान लो नो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है? जैसे टू एट और आगे वो जो होता है वन, ठीक है, यहाँ आ गया। और अगर इसकी बात करूं तो वो वन ही रहता है, लेकिन अगर यहाँ वन है तो इसके आउटर मोस्ट में भी वन ही होगा। ये आउटर मोस्ट की बात नहीं हो रही है, टोटल की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे एक में ऐसे होंगे, ठीक है, जैसे ये तो आपका हाइड्रोजन वाला होता है ये सब में, और उसके बाद बाद स्टार्ट होते हैं। तो जैसे एक में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और फिर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इनको रिपेल करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपकी शेल इंक्रीज नहीं होगी, अरे यार क्या हो गया, मैं ही खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट रुको भाई। अगर आप ऐसे समझते रहे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बोला था कि जो एनायन होता है, सीधा हम वही आते हैं, ठीक है, जो हमारा टॉपिक था कि रेडियाई का टॉपिक, ठीक है, रेडियाई का टॉपिक ये होता है, ठीक है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, साइज ज्यादा होता है। न्यूट्रल का साइज मीडियम होता है, इससे छोटा होता है और इससे बड़ा होता है, ठीक है? नेगेटिव का मतलब मानो कि इलेक्ट्रॉन को हमने लिया है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आया है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन दिया है, यूज किया है। सिंपल सा यही मतलब समझ लो, क्योंकि एम्स जैसे एग्जाम में वो नीट जितना लेवल हो जाएगा वो आपको बहुत डीप हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसमें खुद कंफ्यूज हो रही हूँ, आपको क्या समझा दूंगी फिर वो मैं, ठीक है? तो इतना याद रखो। इसके मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर एक्स सेम है तो ही ये फंडा काम करेगा। मैं ये भी बताऊंगी अगर एक्स डिफरेंट हो तो आप क्या करो। देखो एक बार इसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर x सेम है तो हम क्या करेंगे, ठीक है? अगर x सेम है तो हम क्या करेंगे? जैसे है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अगर हम इसको एक नेगेटिव चार्ज दे एज एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, क्योंकि एलिमेंट यहाँ सेम है, ठीक है, एलिमेंट सेम है। अगर हम एज एन एग्जाम्पल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दें तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो साइज होगा वो एज अ न्यूट्रल एटम ज्यादा होगा, और उसके बाद फिर सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा? पॉजिटिव वाले का। सिंपली ये, हाँ बिल्कुल, शील्डिंग इफेक्ट होता है वो वाला जो मैंने बताया था आपको। लेकिन देखो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो नीट जितना लेवल हो जाएगा, ठीक है, नीट जितना लेवल हो जाएगा। और हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? एमएनएस की। हम एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं, हमें वो लेवल नहीं करना, क्योंकि अगर हम वो लेवल करेंगे फिर हम एमएनएस से भी गायब हो जाएंगे। तो मेन मेन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे।
अब हम बात करते हैं कि अगर आपके ये एलिमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, तो देखो अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो तो आप देख लेना कि यहाँ पे मान लो कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया, जैसे कि एच प्लस, एल आई प्लस एंड एच माइनस, ठीक है, तो आप लोग इनका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा फिर उसका साइज भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो एक भी नहीं है, जीरो। लिथियम में कितने होते हैं, एल आई प्लस में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीन होते हैं, इसने एक लूज कर रखा है तो कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां कितना हो जाएगा, टू। इसकी मैं बात करूं तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, टू हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसमें और इसमें तो सेम हो गए, तो क्या इनका साइज सेम हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, इनके चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दो दो हैं तो ये वाला फंडा आ गया, ये वाला, ठीक है, इनका एलिमेंट, ये एलिमेंट, फिर आपको इसको एक्स मानो, इसको एक्स मानो, और फिर नेगेटिव का ज्यादा हो जाएगा, इसका तो जीरो है ही, तो ये सबसे छोटा रहेगा। इतना क्लियर है या नहीं है, मतलब कमेंट में बताओ। गाइस ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको, एमएनएस और एम्स बीएस नर्सिंग एग्जाम में बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा घूमे फिरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और बहुत ज्यादा हाई एलिमेंट में नहीं मिलेंगे, जो इसका आपको नाम भी ना पता हो वो एलिमेंट आ जाए ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल एलिमेंट, जैसे कैल्शियम हो जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं एक ऑर्डर बता रही हूँ, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर है उनका, आपको सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा यहाँ पे, ठीक है, और सबसे बड़ा वाला यहाँ पे होगा, ठीक है। किसी को अगर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाउट हो तो वो भी देख लो। आपके पास एलिमेंट है Na प्लस, F माइनस एंड O टू, O माइनस टू, ये आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तब तक मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप बताइए तब तक कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। देखो बच्चों हम आंसर पे आते हैं, देखते हैं किसी का कमेंट आया है नहीं आया, अब तक तो नहीं आया है, चलो मैं बताती हूँ। देखो गाइस हमारे पास एलिमेंट थे ये, मैंने इनको इस फॉर्म में लिख लिया, कैसे लिखा, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, ठीक है, एक लूज कर दिया माइनस वन, तो कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, नियोन में, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन पे आते हैं, फ्लोरीन के पास कितने नॉर्मल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, उसने एक लिया है, नेगेटिव चार्ज आया है तो प्लस वन, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब नियोन। उसके बाद फिर से ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, दो उसने लिए हैं, हमें कैसे पता चल रहा है लिए हैं या दिए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से, तो प्लस 2, 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए हैं, नियोन के पास, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये सारे क्या हैं, एक्स, यानी कि सेम एलिमेंट है, तो बस इनको चार्ज की फॉर्म में देख लो, कि जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा, जिसके पास कम चार्ज होगा वो छोटा, और जिसके पास पॉजिटिव वो और छोटा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा छोटा कौन होगा,
इसका साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। ये मैंने आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो आपका ये यहाँ आ जाएगा Na प्लस, ठीक है, उसके बाद F माइनस, और फिर आपका आ जाएगा O माइनस 2, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं कमेंट में बताओ जल्दी, यस और नो। कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन किसको क्लियर है। प्रियंका यस, ईशा यस, भावना सोलंकी यस, और बच्चे बोलो क्लियर है या नहीं, या दोबारा एक बार करवाना है। कोमल, प्रीता यस, देखो इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं सारे एग्जाम्पल्स यहाँ नहीं करवाऊंगी, उनको या तो आपकी PDFs के थ्रू आप तक सेंड हो जाएंगे और फिर टेस्ट में भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो इसमें हम एक्सेप्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आते हैं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। आपके एक्सेप्शन नहीं आते हैं, वो नीट जैसे पेपर में आते हैं, आपके नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछेंगे, तो हम वही डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम सिंपली आईपी बोलेंगे, ठीक है, आईपी से बोलते हैं इसको। तो देखो आईपी होती क्या है, जो हमारा ये एटम होता है इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब ये वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा बड़ा आपका साइज होगा, ठीक है, यानी कि वैलेंस शेल जितनी दूर होगी उतना इजी होगा इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में और इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में थोड़ा ध्यान से लिखें तो क्या होगा, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा एनर्जी कम लगेगी। ये एक पॉइंट क्लियर है, इस पॉइंट से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक छोटे से एक्सेप्शन होते हैं वो आपको याद करने हैं, जैसे कि हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड अगर शेल है, ठीक है, अगर उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लो ऐसे होते हैं ना 2 8 8, ठीक है, अगर यहाँ ये हो गया या फिर ये हो गया या फिर सिर्फ ये हो गया, ये जो होती हैं, ठीक है, 1s2 2s2, इनके बारे में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो देखो जब एस में हमारे दो ऐसे होते हैं, ठीक है, हम दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी में हम हमारे तीन बॉक्सेस होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी नॉर्मली बात करते हैं विदाउट एक्सेप्शन। ये हाफ फिल्ड फुली फिल्ड मत देखो अभी, अभी सिर्फ ये देखो कि आईपी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज।
किसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये फुल्ली फिल्ड है। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप इन्हीं दोनों में बताओ। ठीक है, इसमें और इसमें कौन, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा या कम है? लिथियम में सबसे कम है। वेरी गुड, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि लिथियम की सबसे कम होती है। रीजन है क्यों क्यों होती है तो हम वही बात करेंगे। इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने टॉप टू बॉटम पढ़ा था, वही देखते हैं। देखो, आईपी का ऑर्डर मैं बताती हूँ, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपके होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, इस टाइप से जो होते हैं। आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं आपको बाद में क्लियर करवा दूंगी। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और साइज डिक्रीज करेगा तो आईपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर अगर मैं आईपी की बात करूं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जैसे कि मैंने बोल दिया ली ना की, ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम साइज मैंने बोला था इंक्रीज होता है, यानी कि साइज अगर मैंने इंक्रीज कर दिया तो आईपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे अगर कॉमन एग्जांपल्स अगर आपके आते हैं तो उनको आपको याद रखना है, जैसे कि लिथियम बोल दे कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में से किसकी इनका मतलब ऑर्डर बताओ, कौन सा ज्यादा आईपी वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, साइज इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज करेगी, सबसे ज्यादा इसमें होगी। ठीक है, आईपी इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। बात क्लियर है? हाँ, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी टेलीग्राम पे, डोंट वरी। अब गाइस, मेनली आपके जो ईएन है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीन टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के। वो तीन टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करवाऊंगी या इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप बताओ कमेंट में। कल या करें, मतलब नेक्स्ट क्लास में करें या फिर इसमें करें, नेक्स्ट बोलो या फिर अभी बोलो, कमेंट करो। हाँ, के की आईपी सबसे ज्यादा होगी ना? नहीं, देखो अगर हम जनरली बात करते हैं, टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज करेगा तो आईपी डिक्रीज करेगी, तो इसकी सबसे कम होगी। ठीक है, इसकी कम होगी और इसकी सबसे ज्यादा होगी। इट्स मी। अब भावना नेक्स्ट, और बच्चे बोलो कब करें, कल करें या फिर आज करें, नेक्स्ट वाली में करना है या फिर अभी करना है। ये तीन ही टॉपिक रहते हैं, वो तीन टॉपिक हम नेक्स्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग करेंगे फिर हम नेक्स्ट। सविता कुमारी नेक्स्ट। गाइस, एक बार अच्छे से थोड़ा मतलब बताइए कमेंट में कि जो मैंने अभी पीरियोडिक टेबल आपको समझाई है वो आपको समझ में आई है या नहीं। जितने भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस मैंने अभी करवाए हैं वो आपको समझ में आए हैं, हेल्पफुल हुए हैं या नहीं हुए, प्लीज कमेंट में बताइए। ईशा कल नेक्स्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट कल बोल रहे हैं तो हम कल ही करते हैं। अभी बताइए कि आपको जो भी मैंने पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में तो आए हैं या फिर ऐसे ही ठीक ठीक थे? क्लियर मैम? यस। देखो, मैं इन कॉन्सेप्ट को, जो ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, इनको मैं कल वापस से आपको रिवाइज करवा दूंगी, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की होगी। ठीक है, इनको रिवाइज मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। अगर किसी को थोड़ा सा भी पॉइंट में रह गई है कमी तो मैं नेक्स्ट में उसको क्लियर करवा दूंगी। ठीक है,
वेरी हेल्पफुल। तो ठीक है, अभी आप बताओ, नेक्स्ट मैं क्लास लूंगी यूनिट डायमेंशन की, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है? उसका ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, उसमें बहुत कम पॉइंट आपको रह गए हैं, आधा घंटा लगेगा खत्म करने में कम से कम, ठीक है? मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, कम से कम ही मैक्सिमम। तो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की होगी, पीडीएफ, पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, डोंट वरी, पीडीएफ मैं डाल दूंगी अभी जब क्लास हो जाएंगी, तब उसके बाद या कल सुबह तक मैं डाल दूंगी याद से ये वाले पीडीएफ, पीडीएफ डाल दूंगी मैं पीडीएफ। ये वाली क्लास करें कर अभी या फिर डाइजेशन करें नेक्स्ट, दो क्लास और लेंगे अभी, आज हम डाइजेशन लेंगे और फिर डायमेंशन लेंगे, बताओ कौन सी करें? दोनों दो इसके वो जो 30 क्वेश्चन रहते थे वो डिस्कस करेंगे, और इसमें जो हमारे आगे के डायमेंशनल फॉर्मूला सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बताओ कौन सी क्लास डिस्कस करें अभी? दो बच्चे डाइजेशन भी बोल रहे हैं, प्रियंका डाइजेशन, ईशा डाइजेशन, इट्स मी डाइजेशन, ठीक है डाइजेशन की करते हैं, ठीक है डाइजेशन नेक्स्ट जो होगा डाइजेशन के, जो मैंने एनसीआर करवाई थी कल उसके 60 क्वेश्चंस थे, हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन डन कर लिए हैं, नेक्स्ट 30 अब हम डिस्कस करेंगे, और जो उसके बाद डाइजेशन की नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें हम जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जो भी थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे उसमें, ठीक है? तो सभी डाइजेशन बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास डाइजेशन के रखते हैं। ठीक है, तो फिर गाइस नेक्स्ट डाइजेशन की होगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कब होगी, वही अप्रोक्स 30 मिनट्स बाद होगी, ठीक है? 30 मिनट्स 9 PM के आसपास हम क्लास लेंगे, ठीक है? 9 PM, 9 PM बोला तो 9 PM,